वीडियो स्टार्ट करने से पहले रतन टाटा सर के लिए दो शब्द। आप भले ही इस दुनिया में नहीं हो पर आपकी सिखाई गई सारी चीजें अभी भी हमारे साथ है। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। मुझे इस पूरी दुनिया के अंदर सर रतन टाटा को छोड़ के एक ऐसा बिलियनर दिखा दो जिसको जनता गाली ना देती हो। ये हमारे अडानी अंबानी से लेके इलोन मस्क तक जनता सबको गाली देती है, सब पे केस चल रही है। अगर मैं तुम्हें अंदर की बात बताऊं तो अडानी अंबानी से लेके ये शार्क टैंक के फाउंडर्स तक सभी के सब अपनी पीआर करवाते हैं पैसे देके। वो लोग लोगों को जाकर आज के टाइम में मुझे नहीं लगता है भाई, मैं सही बता रहा हूँ। मतलब आज के टाइम में अब पता नहीं फ्यूचर में ऐसा कभी होगा भी कि नहीं, लेकिन शायद अब रतन टाटा सर जैसे कोई दूसरे इंसान नहीं मिलेंगे इंडिया को शायद। ऐसे देते कि भैया या तो हमारे सपोर्ट में वीडियोस बनाओ या फिर हमारे ऊपर आर्टिकल्स लिखो। और जब से मार्केटिंग एजेंसी का काम कर रहा हूँ ना सर, रतन टाटा का लिटरली एक कैंपेन भी लॉन्च नहीं हुआ है। उस आदमी ने अपनी झूठी तारीफों के लिए किसी को आज तक एक पैसा तक नहीं दिया, फिर भी इन सारे बिलियनर से सबसे ज्यादा इज्जत मिलती है उनको। और क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं बांटा तो उनकी बातें आप लोगों तक पहुंच नहीं पाई, तो ये वीडियो उनके लिए एक ट्रिब्यूट है। इस वीडियो को ना ही मैं मोनेटाइज करूंगा और इस वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, मतलब मैं इस वीडियो से एक भी पैसा नहीं कमाने वाला हूं। मैं भी अपनी ये वीडियो डीमोनेटाइज रखूंगा भाई। सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं सर रतन टाटा को बहुत ज्यादा एडमायर करता था और मैंने उनके बारे में काफी चीजें पढ़ रखी है। मुझे लिखने तक की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली कैमरा से बात कर सकता हूँ। और आजकल के इंस्टाग्राम के नए नए लड़कों को लगता है कि सर रतन टाटा को इतनी इज्जत इसलिए दी जाती है क्योंकि वो काफी पैसा डोनेट कर देते हैं। आज तक रतन टाटा सर ने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर मैं एक चीज भाई मैं कन्फ्रंट करना चाहता हूँ। मैंने शायद इनके जितना नहीं पढ़ा होगा भाई, बट हाँ जितनी भी चीजें मैंने देखी इनके लाइफ के बारे में, शायद इनके कुछ पर्सनल लाइफ या फिर इन्होंने अपनी चीज़ें कैसे स्टार्ट की या फिर क्या क्या हुआ, थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ जितना मुझे याद होगा। मैं अपने तरफ से इनसाइट्स ऐड ऑन करने की कोशिश करूँगा, बाकी इनकी वीडियो तो है ही। $1.2 बिलियन डोनेट करे हैं और वहीं दूसरी साइड $55 बिलियन डोनेट करे हैं वॉरेन बफे सर ने, फिर भी ज्यादा इज्जत रतन टाटा सर की है। जो भी लोग उनके साथ रहे हैं ना उनको एक चीज पता है कि वो आदमी खुददार बहुत था, जो चीज बोल दी मतलब बोल दी। बचपन में ना हम लोग ऐसे चंदा इकट्ठा हाँ। एक ये शायद जैगवार वाला केस भी हुआ था, मतलब मुझे जहां तक ध्यान है कि उन फोर्ड ने शायद उन्हें बोल दिया हुआ था कि मतलब वही उन्होंने नैनो लॉन्च किया था तो उन्हें बोला था कि भाई आपको नैनो के बिजनेस में नहीं, कार के बिजनेस में नहीं घुसना चाहिए था, आपने ये क्या किया, ये तो आपने ब्लंडर, क्योंकि नैनो एक फेलियर साबित हुआ। क्योंकि रीज़न उसका ये था कि आप उसे सस्ती कार बेच करके बोल रहे हो और आज के टाइम में मतलब आप अगर लोगों को सस्ती चीज़ जो बोलो, अच्छा जैसे मैं बोलूँ कि मान लो ये एक चीज़ है, ठीक है भाई ये एक चीज़ है, अब आप इसे ऐसा करके बेचोगे कि ये एक मिडिल क्लास के लिए बेची जा रही है या फिर एक मिडिल क्लास इंसान के लिए बनाई जा रही है, तो फिर शायद ही कोई उसे खरीदेगा। और बस कार में कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी जिस तरह से मार्केटिंग की ना उसमें वहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जब फोर्ड ने उन्हें इस तरह से बोला और शायद कुछ सालों के बाद उन्होंने फोर्ड के जैगवार और रेंज रोवर को, जैगवार और एक और कोई उनका कुछ आता है कार, उसे शायद खरीद लिया था करके स्टेज के ऊपर रामलीला किया करते थे। और उसके अंदर से ना मुझे आज भी राम का एक डायलॉग याद है, जब उनके पिता उनका वनवास दे देते हैं ना तो उनकी फैमिली आके बोलती है कि भैया वनवास के लिए मना कर दो, क्यों जा रहे हो। तो उनका एक डायलॉग था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, मतलब जो एक बार मुंह से निकल गया मतलब पूरा करके हटना है। ऐसे ही सेम सिनेरियो रतन टाटा सर का भी था और तभी उन्होंने आज तक शादी भी नहीं की थी। इनको ना एक बार इंग्लैंड में किसी से प्यार हो गया। ये वाला शॉट मैंने बनाया है, एक शॉट बनाया, आप लोग अगर देख रहे हो इस वीडियो को यहां तक तो मैं यहां पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, आप मेरे इस चैनल पे जाकर के देख सकते हो ये वाला शॉट। इन्होंने उसको जाके प्रॉमिस कर दिया था अगर मैं शादी करूंगा तो तुम ही से करूंगा और करने भी वाले थे, बट इनकी शादी से कुछ टाइम पहले इनकी मदर की तबीयत खराब हो गई थी तो इनको इंग्लैंड छोड़ के इंडिया आना पड़ा था। और जब ये इंडिया आए तो उस लड़की ने किसी और से शादी कर ली थी और क्योंकि इन्होंने उनको प्रॉमिस कर रखा था कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुम्हारे साथ ही करूंगा, और उसके बाद इन्होंने कभी शादी ही नहीं की। मैंने रेगुलरली सर के बारे में पढ़ता रहता था क्योंकि हम दोनों के विचार बहुत अलग है और मुझे वो पढ़ने में मजा बहुत आता था। मेरे लिए बहुत क्लियर है कि भैया धंधा ही धर्म है और उनके लिए धंधे से पहले उनका
देश है। 26/11 में ताज होटल में क्या हुआ था हम सबको याद होगा। उस पूरी घटना के बाद सरकार ने ऐलान किया था कि जिस जिस बंदे की मौत हुई है उसकी फैमिली को कंपनसेशन दिया जाएगा और जिस जिस बंदे को चोट भी आई है उसको भी कंपनसेशन दिया जाएगा। और उस बात को 24 साल हो चुके और कुछ लोगों को कंपनसेशन तो आज भी नहीं मिला है। बट रतन टाटा सर का ऐसा नहीं था, उनके होटल के ऊपर अटैक हुआ था और उन्होंने पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जबकि लेना बनता भी नहीं था। जिस जिस बंदे की होटल के अंदर या फिर आसपास के एरिया के अंदर उस अटैक के कारण मौत हुई थी उनकी फैमिली को जाके 80-80 लाख रुपए दे के आए थे और उसके साथ में जो भी उनके एम्प्लॉयज मरे थे उनको लाइफ टाइम की सैलरीज, अगर उनकी बेटी है तो उनकी शादी, अगर बच्चे है तो एजुकेशन, सब कुछ स्पॉन्सर किया था। और जो लोगों को चोट आई थी ऑब्वियसली उनके मेडिकल ट्रीटमेंट स्पॉन्सर किया और जो लोगों को कुछ भी नहीं हुआ एकदम सेफ थे उनको भी स्पॉन्सर किया गया। सबको जाके दिमाग के डॉक्टर के सामने बिठा दिया कि भैया इतनी बुरी चीज देखी आदमी डिप्रेशन में ना चला जाए। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये सब रतन टाटा सर फॉर अ रीजन, ऐसे इनकी इज्जत थोड़ी ना है भाई। मैं जनरली भाई ये स्टोरी नहीं जानता था कि मतलब 9/11 में मुझे पता था कि इन्होंने सारे लोगों को अच्छे तरह से मतलब पैसे वगैरह दिए, जॉब्स वगैरह दी, लेकिन इतने डिटेल में मुझे नहीं पता थी, वो मुझे नहीं पता था वो बात करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर नहीं भी करते तो उनकी कोई बदनामी नहीं होती क्योंकि ये चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ही नहीं। और बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और फास्ट मूवर माइंडसेट के थे कि भैया ये चीजें होनी तो है, कंपनसेशन देना तो है, तो इसको 4-5 सालों तक लटकाने के बजाय 20 दिनों के अंदर अंदर सोल्व किया था और सबको कंपनसेशन दे दिया था। और जो भी होटल के अंदर अटैक हुआ था और डैमेजेस हुए थे उसको रिपेयर करने के लिए इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर टेंडर निकाल दिया कि अलग अलग देश से लोग इनके होटल को रिपेयर करने के लिए अप्लाई करे और जो भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा उसको टेंडर दे दिया जाएगा। तो अलग अलग देशों से लोग अप्लाई कर रहे हैं और 2 लोगों ने पाकिस्तान से भी अप्लाई किया था तो उन्होंने पाकिस्तानियों का टेंडर को रिजेक्ट ही कर दिया। बट फिर भी पाकिस्तानियों ने हार नहीं मानी, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया जो सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट था और उस प्रपोजल को लेकर टाटा सर के ऑफिस में पहुंच के उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने बोला कि भैया थोड़ी देर बाहर वेट करो, टाटा सर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। और उनको सुबह से लेकर शाम तक बिठा के रखो और शाम को जाके उनका पीएन बोलता है कि भैया अपॉइंटमेंट लेके आया करो, ऐसे नहीं मिलेंगे। उनके टेंडर को देखना तो दूर की बात है, उन्होंने लिटरली उन लोगों को कंसीडर तक नहीं किया। फिर उन पाकिस्तानियों ने क्या किया, वो डायरेक्टली उठ के दिल्ली चले गए किसी बहुत बड़े मिनिस्टर के पास और उन्होंने उनको जाके बोला कि भैया हमारी सिफारिश लगवा दो। सैल्यूट टू रतन टाटा सर भाई इस बात के लिए। भाई मैं जनरली ये स्टोरी नहीं जानता था भाई, मुझे नहीं पता थी ये बात, मुझे इतने डिटेल में नहीं पता थी। हैट्स ऑफ टू यू सर, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। रतन टाटा सर से एक बार मिल के आना है तो उस मिनिस्टर ने रतन टाटा सर को कॉल किया और बोला कि भैया आप लोगों ने टेंडर निकाल रखा है, मेरे दो दोस्त है, या तो उनको दे दो या फिर एक बार मिल के कंसीडर तो कर लो एटलीस्ट। और उसके बाद रतन टाटा सर जवाब देते हैं कि यू कुड बी शेमलेस बट आई एम नॉट, और उसके बाद कॉल को रख देते हैं। मतलब भाई बहुत क्लियरली बोल दिया कि तू बेशरम हो सकता है, मैं नहीं हूं। और उसी टाइम के आसपास पाकिस्तान ने टाटा मोटर्स के पास एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर प्लेस कर रखा था जिसके अंदर हजारों टाटा सुमो पाकिस्तान भेजनी थी। बट उस टाइम पर टाटा सर ने उस पूरी की पूरी डील को कैंसिल कर और बनी बनाई गाड़ियों को अपने देश के अंदर रख के घाटा सह लिया। और इनकी बहुत क्लियर स्टेटमेंट थी कि भैया घाटा तो सह लेंगे पर धोखा नहीं। और आज की डेट में ग्राउंड रियलिटी में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है क्योंकि TCS जो टाटा ग्रुप की सिर्फ एक कंपनी है उसकी टोटल वैल्यूएशन पाकिस्तान के टोटल स्टॉक एक्सचेंज के इक्वल है। मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितनी भी कंपनीज आती है उन सबकी वैल्यूएशन और यहाँ पे टाटा की TCS की एक कंपनी की वैल्यूएशन इक्वल है। रतन टाटा सर की ना एक लाइन है कि अगर लाइफ के अंदर बहुत तेज चलना चाहते हो ना तो हमेशा अकेले चलो और अगर बहुत दूर तक चलना चाहते हो तो हमेशा लोगों के साथ चलो। अभी 2017 की बात है, इनकी कंपनी के अंदर ना स्ट्राइक शुरू हो गई थी, इनकी लेबर बोल रही थी कि भैया हमें बोनस दो और रतन टाटा सर की मैनेजमेंट बोल रही थी कि भैया तुम्हारा तो बनता ही नहीं है। और अभी क्योंकि फेस रतन टाटा सर है कंपनी के तो सारे के सारे उनके बारे में बुरा बोल रहे थे। और 2017 में रतन टाटा सर किसी भी कंपनी के सीईओ थे भी नहीं, उन्होंने 2012 में छोड़ दी थी, फिर भी वो अपनी कंपनी के अंदर लेबर से मिलने गए और जाके उनके पास जमीन पे बैठ गए। लेबर कह रही है कि भैया हमको बोनस दो तो वहीं पे जमीन पे बैठे हुए अपनी मैनेजमेंट से लड़ाई कर रहे हैं लोगों के लिए कि भैया इनको बोनस दे दो। मैनेजमेंट रतन टाटा सर से रिक्वेस्ट कर रही है कि सर हम भाई साहब ओके भाई मुझे मतलब ठीक है भाई मतलब क्या बोलूं भाई, करेंटली आई एम स्पीचलेस। बस ग्रेटिट्यूड है बहुत, मतलब एक होता है ना देखो मतलब आए दिन भाई लोग मरते रहते हैं लेकिन ये लॉस सही में इट फेल्ट लाइक कि कुछ पर्सनल चीज़ चली गई है। सही बता रहा हूँ भाई, मतलब होता नहीं है लेकिन क्या बोलूँ भाई, वो हो
एक होता है ना, एक इंसान में एक अपना ही ऑरा या फिर कुछ तो होता है जो शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ या फिर आप भी ना कभी कभी एक्सप्लेन कर पाओ, बट हाँ इट फेल्ट लाइक अ पर्सनल लॉस। एक अलग आइडेंटिटी है, अब हमें अपनी मर्जी से काम करने दीजिए। बट रतन टाटा सर वहीं बैठ के उनसे लड़ाइयां कर रहे हैं कि भैया मुझे नहीं पता लेबर को आज की आज बोनस मिलना चाहिए, और ये सारी चीजें देख के ना लेबर का दिमाग घूम गया, दे भी लाइक कि भैया अब तो बोनस चाहिए भी नहीं है, रतन टाटा सर आके हमारे साथ बैठे हमें बोनस चाहिए नहीं है। बट स्टिल उनको थोड़े बहुत पर्क्स दिए गए थे और उनकी सैलरी के अंदर लंच को ऐड कर दिया था। सोचो जो लेबर 10,000 का मिनिमम बोनस मांग रही थी वो रतन टाटा सर के आने के बाद लिटरली एक लंच में मान गई, सबको हमेशा राजीनामा करके साथ लेके चला, क्योंकि इनको पता है कि एम्पायर बनाना तो वो अकेले कभी नहीं बनेगा। तो एक प्रोजेक्ट के लिए रतन टाटा सर ने सबको एक साथ इकट्ठा किया और अपनी करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फेल कर दिया, और वो था टाटा नैनो। पहले नैनो ये चीज थी भाई। ओके चलो आओ देखे, तो प्लांट लगाने के लिए कोलकाता चले गए और वहां की ममता बैनर्जी की वजह से वहां पे स्ट्राइक्स हो गई, जिसको मैंने पूरी तरह से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बीच में रुक गया। उसके बाद मोदी जी ने एंट्री ली और देल भी लाइक कि भैया हम प्रॉपर्टी देते हैं, आप काम करना चालू करो। पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट किया गया, फिर लॉन्च किया गया, और जब लॉन्च हुआ तो लोग उस गाड़ी को ना ही खरीदना चाहते और जो लोग खरीद रहे उनकी गाड़ियां जल रही है। जिन लोगों ने भी टाटा नैनो खरीदी थी उनमें से काफी लोगों की खड़ी गाड़ियों के अंदर आग लग जा रही थी, और इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश के आपका नाम खराब हो चुका है, पॉलिटिशियन आपके नाम पे तमाशा कर रहे हो और वोट बटोर रहे, तो आप क्या करोगे, डिप्रेशन में जाओगे या फिर अकेले में बैठ के एंजाइटी की गोलियां खाओगे। इन्होंने अलग ही काम कर दिया, इन्होंने कंपनी में रूल बना दिया कि आज से हम लोग फेलियर्स को सेलिब्रेट करेंगे। रतन टाटा सर बोलते कि लोहे को कोई भी खत्म नहीं कर सकता सिवाय जंग के। आज जस्ट मैंने ये चीज मतलब अपने वीडियो में भी यूज की थी, इनका ये वाला कोट। और ऐसा इंसान का दिमाग भी होता है, इंसान को कोई नहीं खत्म कर सकता सिवाय उसके दिमाग के। उन्होंने इस चीज को समझा कि भाई फेल होने के डर से ना आप लोग काम करना बंद कर देते हो, जो सबसे बड़ा फेलियर है। इनको लगा कि ऐसा इनकी कंपनी के अंदर भी होता होगा कि लोग काम करने से पहले डरते होंगे, जिससे सक्सेस बहुत दूर छूट जाएगी। तो इन्होंने ओपनली आगे बोला कि भैया छोटी छोटी गलतियां करो, जो महीने के एंड में सबसे ज्यादा गलतियां करेगा ना हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे। मतलब अगर आप लोग किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और वो सक्सेसफुल हो गया तो आपको पार्टी मिलेगी, और अगर गलती से किसी कारण की वजह से ना हो पाया तब भी पार्टी मिलेगी। इनकी एक बहुत बेसिक सी थ्योरी थी कि भैया जितनी जल्दी फेल करेंगे उतनी ही तेजी से आगे भी बढ़ेंगे, तभी आज इनके पास 100 से ज्यादा कंपनी है। और क्योंकि ये सारी चीजों को कर करके चेक करते थे, तो इनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, आई डोंट बिलीव इन टेकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन देन मेक देम राइट। ये चीज भाई मैं भी अपने लाइफ में बहुत 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 जोर से अप्लाई करता हूँ भाई। ये चीज़ मैं अपनी लाइफ में ज़रूर भाई, कुछ करो ना करो लेकिन ये चीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना भाई। आप अगर बैठे हो और कुछ नहीं कर रहे हो तो भाई वो ऑलरेडी फेलियर है, उससे अच्छा कि आप एक्चुअल में फेल हो जाओ, कुछ करके फेल हो जाओ, वो चीज़ ज़्यादा अच्छा होगी। Leave taking right decisions. I take decisions and make them right. और पता क्या है, ये तो मैंने जो भी पहले से इंटरनेट से पढ़ रखा था वो चीजें लाके मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, और इन सारी कहानियों को सुन के हम लोग बहुत ज्यादा अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो रियल लाइफ में कैसे थे। बट एक कहानी बताता हूँ जो इस चीज को भी जस्टिफाई कर देगा। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने के लिए बुलाया गया था स्टेज के ऊपर, और वो अवार्ड दे पता कौन रहा था, इन्फोसिस का फाउंडर। इनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है TCS, और उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है इन्फोसिस। TCS के फाउंडर रतन टाटा सर को बुलाया जा रहा है और अवार्ड दे रहे इंफोसिस के फाउंडर, और उनको अवार्ड देने से पहले उन्होंने पता क्या किया, रतन टाटा सर के पैर छुए। आप समझो कि आपका ऑरा कितना पावरफुल होगा कि आपका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर आपको अवार्ड देने आ रहा है और आपके पैर छू के जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि इनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ गई है और इनकी लाइफ में कोई ऊंच नीच नहीं आई। रतन टाटा सर ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला था कि अगर आप लोगों की लाइफ में अप्स और डाउन्स नहीं आ रहे तो आप लोग तो शायद जिंदा हो, पर आपकी जिंदगी मर चुकी है। 1999 में अपनी खुद की कंपनी को फोर्ड को बेचने चले गए थे, और फोर्ड वाले बोल रहे थे कि भैया हम लोग तुम पे एहसान कर रहे हैं तुम्हारी कंपनी को खरीद के। फोर्ड वाला केस भाई, मैं तो भैया फुल इगोइस्टिक अपनी डूबती हुई कंपनियों को बिना बेचे इंडिया उठ के आ गए थे कि भैया बाद में देख लेंगे बेचेंगे नहीं। और उसके लगभग 9 सालों बाद 2008 के अंदर फोर्ड की दो कंपनियां उनसे खरीद ली, जैगवार और लैंड रोवर। और खरीदते टाइम फोर्ड के फाउंडर ने बोला कि आप लोग हमारी कंपनियां खरीद के हम पे एहसान कर रहे हो। 2.3 बिलियन में शायद खरीदा था इन्होंने, मुझे जहां तक डेटा याद है शायद।
उनका पूरा बिजनेस माइंडसेट था, उनको सब पता था कि कहाँ पे किस तरह से कमाना और कहाँ पे भूख को हटा के दुनिया के बारे में सोचना है। अगर आप लोग उनको इसलिए पसंद करते हो क्योंकि शायद उन्होंने डोनेशंस बहुत किए हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप लोग सिर्फ उनको इसलिए पसंद करते हो क्योंकि उन्होंने डोनेशन बहुत किए तो गलत बात है। वो आदमी की सोच एथिक्स आप लोगों को ये चीज सिखाती है कि दुनिया में आपको चलना कैसे चाहिए। कितने सारे ऐसे बिलियनियर है जिन्होंने दबा के पैसा कमाया, इनको भी पैसा कमाना आता था, इतने गट से कि पैसा कमाया जा सके, पर पैसा कमा टाइम इनको ये चीज भी पता थी कि साला रुकना किधर है। पैसे से पैसा ना बना के इन्होंने एक इनफ पैसा कमाया, एक एम्पायर को जचाया और उससे दुनिया और समाज का भला किया। और इस वीडियो को मैं उनकी एक लास्ट लाइन के साथ खत्म करना चाहूंगा। इन्होंने एक इनफ पैसा कमाया है भाई, मुझे क्यों लग रहा है कि जेन ज़ी वी के आंखों में आंसू है, पता नहीं भाई, आप नोटिस करना यार एक बार, मुझे नहीं पता, लेकिन आंसू तो भाई अभी मेरे भी आंखों में आ गए थे। मैंने क्या बोलूं भाई, मतलब बोलू ना भाई, यहाँ पे नोटिस करना ना एक बार। एम्पायर को जचाया और उससे दुनिया और समाज का भला किया। और इस वीडियो को मैं पता नहीं, मुझे लगा ऐसा, शायद नहीं हो सकता, आई माइट बी रॉन्ग, बट मुझे लगा ऐसा क्योंकि भाई मेरे आंखों में आंसू आ गए थे भाई, लिटरली ये वीडियो देखते देखते भाई मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। एक लास्ट लाइन के साथ खत्म करना चाहूं। हाँ भाई, हल्का सा आवार थोड़ा सा यहाँ पे फंबल किया था इनका आवाज थोड़ा सा फंबल किया था यहाँ पे, यस ही ट्रूली डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड एंड ही इज द रिस्पेक्टेड वन।